और दो साइड पे इसको क्राउच कर कर हॉपर लगाने हैं जस्ट लाइक दिस। तो हॉपर साइड में होकर आपको इनके ऊपर कनेक्ट कर देने हैं। तो फिर इतने प्रोसेस होने के बाद आपको हॉपर्स के आजू बाजू ये ब्लॉक्स लगा देने हैं जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ वैसे सेम टू सेम। ओके, को हाइट दो पे रखनी पड़ेगी, दो ब्लॉक लगा कर आपको हाइट रखनी पड़ेगी। और चेस्ट ऑफ ऑन ऑफ कर पाओ इसलिए आपको ग्लास लगाने हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, इधर सिंपल ये दो हाइट पे है तो वैसे ही इसके ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 15 हाइट पर ये ब्लॉक पे लगा देना है और सबको ऐसे करते जाना है 15 हाइट तक। तो दोस्तों मैं इधर भूल गया था कि इधर कैंप फायर लगाना है। तो भाई आपको जैसे ही हॉपर्स हो जाते हैं तो आपको कैंप फायर लगा देना है क्राउच कर कर, नहीं तो ये नहीं लगेगा कैंप फायर, ये ध्यान में रखना है। तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों आपको इसके कॉर्नर्स पे आके एक एक ब्लॉक प्लेस कर देना है जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फिर इसके कॉर्नर से मतलब इसके मिडल साइड पे ये, तो दोस्तों आपको इसके मिडल ब्लॉक पर ऐसे करके 7 ब्लॉक तक ऐसे कर देना है और इसके सारे साइड्स पर। तो आपको 7 ब्लॉक प्लेस करके इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है जैसे मैं किया हूँ और इसको अभी फिलअप कर देना है अच्छे तरीके से। तो इसके आपको कॉर्नर्स में आ जाना है और ये टेम्पररी ब्लॉक इसको हटा देना है, ऐसे करके आपको ब्लॉक प्लेस कर देना है और इसको अभी चार ही साइड पर घुमाना है जस्ट लाइक दिस। तो आपको स्टेयर्स लेनी है और उसको ऐसे तरीके से सारे ब्लॉक्स पर प्लेस कर देने हैं। जस्ट लाइक दिस। तो आप एक सर्वाइवल बनाने वाले हो तो आपको एक अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको एक इन्फिनिटी सोर्स बना देना है और इधर आपको कुछ ऐसी तरीके से इन्फिनिटी सोर्स बनाना है और इधर से आप पानी ले सकते हो, दोनों ओर से आपको पानी करना है और इधर इन्फिनिटी सोर्स ऑफ वाटर बन जाएगा। तो आपको इधर पानी इसमें डालना है स्टेयर्स के बीच में और एक याद रहे एक भी मिस ना हो। तो ये ब्लॉक्स हटाने हैं आपको, रख के कुछ ज़रूरत नहीं है, वैसे ये फ्लो हो जाएगा लाइक दिस। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके नीचे कितने सारे मॉब्स आ चुके हैं, मुझे नहीं पता कैसे आ गए, बट कोई बात नहीं। आपको इधर प्रोसेस क्या करनी है, आपको इसको इधर डालना है और 3 ब्लॉक हाइट पर लेके तीसरे ब्लॉक पर एक लगाने हैं और टेम्प्रेरी ब्लॉक हटा कर इनको ऐसे ही गोल में कर देना है जस्ट मैंने नीचे किया है वैसे। जस्ट लाइक दिस आपको ब्लॉक है ना स्टेयर्स के पीछे ही लगाने हैं, आगे लेके जाने नहीं। तो दोस्तों आपको ब्लॉक्स क्या करना है ना, एक एक ब्लॉक छोड़कर इधर ब्लॉक लगाते जाने हैं और जस्ट लाइक दिस मैंने मैं किया हूँ वैसे ही। और ये ब्लॉक है ना लाइन पे लगाते जाने हैं दूसरी ओर तक लाइक दिस। तो दूसरी ओर आ जाना है आपको एक ब्लॉक छोड़कर ऐसे ही लाइन में, जैसे आपने उधर किया है वैसे ही आपको एक लाइन बना देनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ और ऐसे ही एक शेप मिलेगा कुछ ऐसा। तो ये बटन्स भी आपको एक कॉर्नर में आ जाना है और वैसे ही एक ब्लॉक छोड़कर आपको लगाते जाना है सारे ओर एक ब्लॉक छोड़कर, बस डिस्टेंस एक ब्लॉक छोड़कर होनी चाहिए सबकी। तो दोस्तों आपको ट्रैप डोर लगाने हैं इसके बीच में, ये जो होल्स किए हैं हमने वैसे ही एक ब्लॉक पर लगाने हैं, कांस्टेंट एक ब्लॉक पर लगाते जाने हैं। अगर आपने ऐसे वैसे किसी के ऊपर लगा दिए जैसे कि मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही उस ब्लॉक को टच करके, और ये जो है ट्रैप डोर ओपन होने चाहिए। तो कुछ आपको ये ऐसे दिखने वाला है। तो आपको कॉर्नर में आने के बाद इधर ही बटन को निकाल देना है और इधर 3 ब्लॉक प्लेस कर देने हैं, नीचे के 2 ब्लॉक कट कर कर फिर आपको ये बटन प्लेस कर देना है फिर से, और इधर आपको सेम नीचे दिए वाले लेयर से ना वैसा ही आपको सेम करना है।
तो दोस्तों आप ट्रैप डोर ये इतना प्रोसेस होने के बाद बटन्स वटन्स लगाने के बाद ऊपर का लेयर, तो आपको क्या करना है, ट्रैप डोर जब भी आएंगे लगाने की बारी तो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको कैसे भी नहीं लगाकर बल्कि नीचे वाले ब्लॉक पर कहाँ प्लेस है ट्रैप डोर अपना, तो उसको देखना है कौन से ब्लॉक के ऊपर प्लेस है, तो इधर ना तो इधर आपको ऐसे कोई गलती नहीं करनी है, तो आपका फार्म बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। तो जिसे नीचे वाले ब्लॉक पर, जिस ब्लॉक पर ये ट्रैपडोर लगे हुए हैं, वैसे ही सेम आपको कर देने हैं, जैसे कि लाइक दिस देख सकते हो। तो दोस्तों इसको ऑन करने के बाद वैसा ही सेम लेयर बनने के बाद इधर एक लेयर बन जाएगा दो का, तो आपको इसके बीच में आ जाना है और जिधर भी बटन्स होंगे तो उसके ऊपर आपको ट्रैप डोर नहीं लगाना है। जिसके ऊपर अगर नीचे इधर देखो ये खाली है, इधर बटन नहीं लगा हुआ, इधर आपको ट्रैप डोर लगाने हैं। जिधर आपके बटन नहीं होंगे ना उसके ऊपर आपको ट्रैप डोर्स बिछाने हैं, जस्ट लाइक दिस मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही स्टेप्स को आपको फॉलो कर ऊपर के और भी लेयर्स बना लेने हैं। मैं 3-4 और बनाऊंगा, कुल मिलाकर 5 लेयर्स हो जाएंगे। आपको भी सेम प्रोसेस करना है जस्ट लाइक दिस। तो इन सेम लेयर से मैंने ये सारे लेयर्स बना दिए, आपको भी सेम करना है। और इधर भाई आप देख सकते हो एक क्रीपर भी स्पॉन हो चुका है, और इधर देख सकते हो एक कैसे जाएगा नीचे और एक कैसे मरेगा, आपको साक्षात दिखा रहा हूँ। ओके, तो इधर आपको एक कलेक्ट भी होते रहेगा, तो ये क्रीपर स्पॉन होना भी शुरू। तो दोस्तों आपको डबल एक बार इस कॉर्नर पे आ जाना है, इस बटन को निकाल कर इधर आपको दो ब्लॉक प्लेस कर देने हैं, इसके ऊपर आपको एक स्लैब प्लेस कर देना है, फिर इन दोनों ब्लॉक को निकाल कर इधर डबल एक बार ये बटन प्लेस कर देना है और एक स्लैब का लेयर बनाना है जैसे कि नीचे, तो पूरी तरफ इधर स्लैब का लेयर बन जाएगा। तो इधर लेयर बनने के बाद इधर आपको ये ट्रैप डोर डबल बिछाने हैं, तो ये ब्लॉक छोड़कर, मतलब ये बटन है उसके ऊपर वाला ब्लॉक छोड़कर आपको ये ट्रैप डोर इधर बिछाने हैं, जो खाली साइड होगी उसके ऊपर ही खाली ब्लॉक होंगे उसके ऊपर ही ट्रैप डोर बिछाने हैं। तो सेम किया है वैसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो इधर ट्रैप डोर बिछाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट काम हो ही गया है। तो दोस्तों आपको डबल एक बार कॉर्नर पे आने के बाद इधर 6 ब्लॉक पर हाइट ले लेनी है। तो जैसे आप 6 ब्लॉक पर हाइट ले लोगे तो आपको लीव्स का ब्लॉक रेडी रखना है, और इधर लीव्स का ब्लॉक उसके ऊपर रख कर इन सारे टेम्पररी ब्लॉक को हटा देना है। तो दोस्तों नीचे हमने स्लैब के लेयर बिछाए थे, तो आपको ऐसे ही लीव्स के भी लेयर बिछाना है। तो इधर लीव्स का लेयर बनने के बाद इधर आपको कॉर्नर में आ जाना है, और उधर आपको 10 ब्लॉक्स लगाते जाने हैं लूज के। लूज को आपको कनेक्ट करते जाना है दूसरे लूज तक। तो अभी आपको इनको फिल करना होगा। तो इधर आपको मिडल लेयर पे आ जाना है। मिडल लेयर पे जैसे आते हैं हम, तो आपको ऐसे करके मिडल साइड वाले ब्लॉक पर लगाना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 ब्लॉक से। तो डबल आपको ये करना है, इधर 5 हो जाएगा, 6, 7 और 10वें ब्लॉक तक लगाना है। 10वां ब्लॉक है तो इसके ऊपर 20 ब्लॉक तक लेके जाना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तो 20 ब्लॉक्स हो चुके हैं। तो इन सारे ब्लॉक्स को इधर करना है, और इधर एफ के स्पॉट बनाना है, इधर आपको दिखे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इधर
ग्लास लगा रहा हूँ, आप कौन से भी ब्लॉक्स लगा सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है, ग्लास भी मैं लगा रहा हूँ। ओके, तो इधर आपको सारे ब्लॉक्स इधर के निकाल लेने हैं जो इधर के बाहर है, तो मैं इधर और इधर आपको दो ब्लॉक प्लेस कर कर इधर फैंटम बचने के लिए, फैंटम से तो इधर आपको ऐसे कर कर ये नीचे के दो ब्लॉक्स मतलब एक ब्लॉक छोड़ कर आपको ये करने पड़े। तो इधर दो ब्लॉक प्लेस कर देने हैं, इसके ऊपर स्लैब लगा देना है, फिर स्लैब लगाने के बाद ये नीचे का जो ब्लॉक है ना उसको निकाल देना है, ऐसे करके आपको एफ के स्पॉट बनाना है। तो इधर अगर क्रीकर आएगा तो इधर आपको मार देगा, तो इसलिए बॉक्स को निकाल देना है अच्छी तरीके से। तो ये के स्पॉट से भाई ठीक नीचे आपको ये ये स्कैफोल्डिंग लगा देनी है, और कौन से ब्लॉक भी लगा सकते हो, लैडर्स भी लगा सकते हो, वैसा कोई बात नहीं। एफ के स्पॉट हो गई। तो दोस्तों इधर आपको इस फार्म के ठीक नीचे इधर आपको टॉर्चेस लगाने हैं, जिस तरीके से आपका फार्म जो है बहुत अच्छे वर्क करे। तो आप इधर ग्लास भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं कि आप ग्लास नहीं लगा सकते। इधर देखने के लिए मैं इधर ग्लास लगा रहा हूँ, आप भी लगा सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं पीछे से वो किया था, आप देख सकते हो उधर मैंने एफ के स्पॉट बनाया था, बट आपको क्या करना है जिधर चेस्ट की साइड हो ना उधर ही आपको एफ के स्पॉट बनाना है, उधर ही मिडल ब्लॉक पर लेकर 20 ब्लॉक आपको इधर आ जाना है, उधर ही बनाना है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको पीछे लगाना है, आपको आगे ही लगाना है। और देख सकते हो इधर क्रीपर फार्म मैंने एफ के हो चुका है, अभी इधर क्रीपर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका फार्म वर्क नहीं कर रहा है ठीक से तो आपको इधर सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर इधर आपको जो कौन सा भी नॉर्मल मोड होगा आपको, तो इधर नॉर्मल से हार्ड पीसफुल से करना है हार्ड तक। ओके, हार्ड पे रखना है तो आपका फार्म शुरू हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैं एफ के होता हूँ कुछ मिनट के लिए। तो दोस्तों इधर कुछ रात रुकने की मतलब एक ही रात रुका है मैंने माइनक्राफ्ट की, एक रात कितने मिनट की होती है मुझे, बस एक रात रुका हूँ। ओके, अभी चेस्ट में देखते हैं कि कितना हमको, ओ भाई 1 स्टैक और 25 बोन मतलब गन पाउडर। ओके, 26 हो चुके हैं, अभी मरा होगा कोई क्रीपर, तो भाई ऐसे मर रहे हैं क्रीपर। अगर मैं पास होता हूँ तो ही वर्क करेगा, आप ऐसे करते हो तो ही वर्क करेगा। इसके साथ हमारा फार्म रेडी है बनके, ये फार्म पॉकेट एडिशन और जावा एडिशन में वर्क करेगा, दोनों भी एडिशन में आप वर्क करेगा, सिंपली बना दो और ये फार्म डेफिनेटली वर्क कर रहा है, मैंने भी देखा है। और मैं सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाने वाला हूँ, तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना यार, इतनी मेहनत की है। तो अगले वाले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।